ये देखो भाई, साइंस ने शार्क के मुंह में हाथ दे दिया भाई। साइंस ना ओशियन में घुसने की कोशिश कर रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अभी शाम। गाइस जैसा कि आपको पता, हम एक दिन पहले भाई साइंस के स्कूल के पास वाले मॉल गए थे, तो भाई अभी मुझे पता लगा वहाँ पे ना मस्त डॉल्फिन पार्क बन गया भाई नया, और भाई जहाज वहाज आया एक बहुत तगड़ा लकड़ी का। तो अभी साइंस रेडी हो गया है, अभी वहाँ चलते हैं और जहाज देख के आते हैं भाई। मैं तो जहाज को उड़ा दूंगा। अबे भाई कोई साइंस को बताओ, वो समुंदर का जहाज है भाई। जहाज को एक मिनट में उड़ा दूंगा भाई। अभी चल के देखते हैं साइंस कैसे उड़ाएगा उस जहाज को, कैसे ना कैसे करके उड़ा दूंगा। तो गाइस अभी आ गया गाड़ी में, अभी विशाल को भी बुलाया है। वो पता नहीं भाई शाम को कहाँ भाग जाता है, बाइक लेके भाग जाता है वो शाम को। तब तक यार वो डॉल्फिन पार्क बंद हो जाएगा। अजीब बंदा है, रोज लेट कर आता है। ये देखो भाई कहाँ पे घूम रहा है, रात को आवारा गर्दी करता हुआ घूम रहा है। ये असली खुरापाती बंदा जो इसे घुमाता रहता है। विशाल कल तूने कहा था कि और इसे पिलाऊंगा। चल अभी पिला दूंगा। नहीं बाद में चलेंगे मॉल से आके। अबे तुझे पता वहाँ पे ना डॉल्फिन पार्क लग गया बहुत ही मस्त मॉल में। अरे चलो फटाफट चलो भाई। चलो तो गाइस अभी जल्दी चलते हैं और आपको दिखाते हैं मस्त डॉल्फिन पार्क। तो चलो गाइस चलते हैं। नखरे भतेरे सोनी नार के हीरे वाला हार मांगे से, हीरे वाला हार मांगे से। तो गाइस अभी आ चुके हैं मॉल में भाई, अभी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको मस्त डॉल्फिन। परसों आए थे तब तो था नहीं, एकदम से मेला लग गया भाई। परसों कुछ भी नहीं था, मगर भाई बच्चों की छुट्टियां पड़ रही है ना, इसलिए भाई मॉल वाले ना पूरी मार्केटिंग कर रहे हैं, लूटना चाह रहे लोगों को। ये देखो भाई साइंस तो आते ही टॉयज देखने लग जाता है। ये देखो कैसी स्लेट है, अपना नाम लिखो इसमें ना भाई, मैग्नेट से ना गोलियां ऊपर आ जाती हैं। ये देखो भाई कितने सारे टॉयज हैं, आज कुछ तो लेके जाऊंगा। ये देखो क्या लड़कियों वाला टॉय ले लिया इसने, काला कुत्ता ले ले खतरनाक है। ये देखो भाई कैसा कुत्ता, ये कुत्ता कम भालू ज्यादा लग रहा है, कहीं से भी ये कुत्ता नहीं लग रहा, ये देखो भालू लग रहा है। तो गाइस अभी आपको दिखाता हूँ भाई साहब डॉल्फिन पार्क। वैसे इसका नाम डॉल्फिन पार्क नहीं है, ओशियन वर्ल्ड है। कैसा ओशन है ये, ऑक्टोपस बाहर आ रहा है। ये देखो भाई साहब कितना मस्त ओशियन बना दिया मॉल के अंदर ही भाई, बड़े बड़े ऑक्टोपस बनाए हुए हैं, पूरा रबड़ का बना हुआ है। ये देखो भाई कितना बड़ा ऑक्टोपस है, कितना पैसे फूके इनने। और ये देखो भाई कितनी बड़ी डॉल्फिन है, ये तो भाई इतनी बड़ी है साइंस को खा सकती है। ये एक बार हाथ लगा। ये देखो भाई साइंस ने शार्क के मुंह में हाथ दे दिया भाई। साइंस ना ओशियन में घुसने की कोशिश कर रहा है, डॉल्फिन पूछ भी हिला रही है। वाह, डॉल्फिन नहीं है शार्क है। गाइस वो वाली मछली ना शार्क थी, डॉल्फिन तो यहाँ पे है। ये देखो कैसे पूछ हिला रही है, ऐसा लग रहा है असली में जिंदा हो, बिना पानी के रह रही है। और ये देखो भाई समुंदर कैसा है, छोटी छोटी बॉल्स है भाई। अबे ये कौन सा जानवर है, ये तो आउ आउ कर रहा है। ये देखो भाई कैसी मछली, ये तो भाई मछली कम कुत्ता ज्यादा लग रही है। अबे खा रहा है तो, ये कौन सी मछली कुत्ते जैसी, खा गया भाई खा गया, छोड़ नहीं रहा शुगर, दांत नहीं आते बीच में से पार देता हाथ को। गाइस आप कमेंट में बताओ ये कौन सी मछली है भाई। ये वही है जो स्विमिंग पूल के आसपास ना उछलती रहती है, ये अपने हाथों से ना उछलती रहती है ऐसे ऐसे। ये ब्लैक कलर की होती है और इसकी मूछें होती हैं। इसकी मूछें नहीं है, चिकना है। और ये देखो कैसी मछली है, ये मछली कम कछुआ ज्यादा लग रही है, मेरे को तो कमल लग रहा है। अब गाइस आपको दिखाता हूँ सबसे खतरनाक चीज इस ओशियन पार्क की। ये देखो भाई साहब कितनी बड़ी शिप है मॉल के अंदर, इसे भाई लेके कैसे आए होंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। टुकड़ों में आई होगी या फिर बहुत बड़े ट्रक में आई है भाई। ये वीडियो में आपको छोटी सी लग रही होगी भाई, बहुत बड़ी शिप है और रियल शिप है, बिल्कुल सेम पायरेट ऑफ कैरेबियन वाली शिप है भाई। साइंस घर कह रहा था इसे उड़ा के दिखाऊंगा, अब देखते हैं भाई ये कैसे उड़ाएगा। पहले तो ये छोटी पड़ेगी भाई, मेरा तो खतरनाक मन कर रहा है इस शिप पे चला जाऊं, मगर भाई जाने नहीं देंगे। पुराने टाइम में ना ऐसी शिप होती थी और ये हवा से चलती थी, इन पर्दों पे हवा आती थी समुद्र की, उसके बाद चलती थी मस्त। और ये ऑक्टोपस देखो भाई कितना बड़ा बनाया हुआ है। अगर आप भी गुड़गांव के आसपास रहते हैं ना, यहाँ पे भाई बच्चों को जरूर लेके आना, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा उन्हें। और भाई एंट्री भी बिल्कुल फ्री है। ये देखो ये है मॉल का एड्रेस, इस मॉल में आ जाना। ये देखो भाई साइंस का सेम योयो मिल गया जो हम लेके आए थे। पापजी आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखो, ये देखो भाई डबल कलर वाला ऑक्टोपस, एक तरफ से पिंक हो जाता है एक तरफ से ब्लू। ये देखो सस्ता जिराफ, कितनी लंबी गर्दन है इसकी, कुछ भी। और ये देखो भाई बड़ी शिप वालों ने ना कैसी मछली पकड़ रखी है भाई, लकड़ की भाई डिजाइन बना हुआ है लकड़ी की मछली का। भाई इस पार्क में ना सबसे मस्त ये शार्क ही लगी मुझे। ये देखो कितना खतरनाक मुंह खोलती है भाई, रियल शार्क की तरह। ये देखो इसके दांत भाई, आपने लकड़ी की शिप तो देख ली, अब आपको दिखाते हैं भाई लाइट वाली शिप। ये देखो कितनी बकवास शिप बनाई हुई है भाई, लाइट ही लाइट लगी हुई है इसमें, खोखली है अंदर से, वैसे देखने की शिप है। ये देखो भाई ये इसकी टाइमिंग और डेट है,
बाकी भाई बहुत ही बढ़िया ओशियन वर्ल्ड बनाया हुआ है, बच्चे आके ना खुश हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इस टाइप का सीन ना हमने कभी नहीं देखा। या तो आर्या मॉल में डायनासोर पार्क लगा था या ये फिश वाला पार्क है भाई। और ये शिप है ना, इसे तो भाई घर ले जाने का मन कर रहा है भाई। शायद तो थक के बैठ गया, ऐसा करते हैं शिप को ले चलते हैं घर, छत पे रख लेंगे और समुद्र की फीलिंग ले भाई। शिप को ले जाएंगे दमदमा लेक, वहाँ चलाएंगे लेक में। नाइस आइडिया। और भाई यहाँ पे शाम को 3 बजे से ना मस्त मस्त कॉम्पिटिशन होते हैं बच्चों के। कॉम्पिटिशन में पार्ट लेगा कल? भाई साइंस को ना पढ़ाई वाली चीजें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अरे कुछ सीख ले, पढ़ लिख ले, 80 बना जाएंगे मेरी तरह। ये देखो भाई ट्रेन मस्त चल रही है, तो अभी मस्त ओशियन पार्क में घूम लिए। ऊपर से देखो भाई कैसा लग रहा है ओशियन पार्क। अभी इनके मस्त कैफेटेरिया में आ गए हैं। यहाँ पे भाई नया डोमिनोज खुल गया, ये देखो कितना बड़ा स्टोर खुला है नया। साइंस कह रहा है पिज्जा खाना है, इसे भाई पिज्जा खिलाते हैं मस्त। भाई आपने बहुत सारे मॉल देखेंगे मगर इस मॉल जैसा कैफेटेरिया ना किसी का भी नहीं है भाई। इतनी ग्रीनरी और पेड़ पौधे लगाए हुए हैं ना, मजा आया था यहाँ पे आके। ये तो भाई डिटॉक्स कर रहा है, तो पिज्जा खाएगा नहीं। मैं बस बाहर चाप खाता हूँ और कुछ नहीं खाता भाई। सबसे बेकार चीज खाता है, सबसे ज्यादा फैट बढ़ाते हो भाई। सोयाबीन होती है उसमें? सोयाबीन नहीं होती, उसमें मैदा होती है भाई। कोई बात नहीं, अब अच्छी लगती है। तो भाई अभी साइंस के लिए पिज्जा ऑर्डर करने आ गए। कौन सा खाएगा, नॉर्मल या ऑनियन? भाई विदाउट टॉपिंग के पिज्जा को बोल रहा हूँ नंगा पिज्जा। तो भाई अभी मस्त कोल्ड ड्रिंक ले लिए। अभी साइंस की हरकतें देखना भाई, कोल्ड ड्रिंक को देख के कैसे करेगा सरप्राइज। ओ भाई मिरिंडा मिरिंडा, ये देखो इसकी हरकतें। भाई मेरी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक अगर कोई है ना तो वो है 7 अप। दूसरे नंबर पे स्प्राइट, मुझे बस स्प्राइट पसंद है। मुझे कोका कोली। भाई साइंस की हरकतें बताऊं, ये देखो मैंने ग्लास में डाल दिए, मगर इस जैसे बच्चे पता क्या कहते हैं, मुझे बोतल दे देना मैं तो बोतल में पीऊंगा। ये देखो अब भी बोतल में से ही पी रहा है। तो भाई फाइनली काफी देर के वेट के बाद हमारा ऑर्डर आ गया है। भाई आज तो कोई खाने वाला भी नहीं है, फिर भी साइंस हरकतें कर रहा है। ये देखो भाई कितना मस्त पिज्जा आया है। चलो तो भाई अभी बहुत भूख लग रही है, अभी निपटाते हैं। और ये देखो गार्लिक ब्रेड भी मंगाया हमने। ऐसे भी मानी नहीं करते, एक ब्रेड मुझे भी दे दो। मगर भाई इस ब्रेड को पोलियो हुआ है क्या भाई, कमजोर सा ब्रेड लग रहा है। कमजोर ब्रेड बना दी। तो गाइस अभी मस्त खा पी लिया है, और शायद ने तो भाई घर के लिए भी पिज्जा ले लिया। एक अभी खा लूं, गद्दारी करवाओ। ये देखो भाई मॉल बंद होने वाला है, और शायद पता नहीं कहां भाग के जा रहा है। इस मॉल का जो गेम जोन है ना वहां जा रहा है। ये देखो भाई यहां पे ना मस्त कार रेसिंग भी कर सकते हो आप। नीचे भी फिश देख के आया है, और यहां भी फिश वाली गेम पे ही आ गया। इस गेम जोन में ना मस्त मस्त गेम्स है भाई। ये देखो साइंस का सस्ता UFO, साइंस के बैठते रुक गया, अभी मस्त घूम रहा था। ये देखो भाई विशाल के ऊपर गन लगा रहा है भाई। अभी मॉल बंद होने वाला है, नहीं तो भाई आज भी गेम खेल के जाते। ये देखो भाई यहाँ का छोटे बच्चों वाला एरिना, इससे बढ़िया तो यार हमारे वहाँ वाले में है। इससे कितना बड़ा, तो आधा भी नहीं है उसके। बस उसमें स्ट्राइकिंग कार होती ना और भी मस्त होता। ओ खतरनाक, मन कर रहा है इस खा लूं। बुक्का एक नंबर का भाई। शायद ने हन्नी को कोई चीज नहीं देना चाहता। ये तो डेली बार खाता है, कभी कभी खाता है। ये देखो ट्रेन के पीछे भाग गया उसमें लटकने के लिए, गिर जाएगा। अभी मॉल में सब कुछ बंद हो गया। ये देखो अभी मछली वाला पार्क भी बंद हो गया। यहाँ तो कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। वो देख पीछे आ गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, गार्ड भैया एक मछली ले जाए रात को। ये देखो भाई इस मछली को ले जाना चाह रहे हैं हम भाई। गली में लेके घूमेंगे ना सारे बच्चे डर जाएंगे इससे। और भाई मछली की जो आंखें बनाई हुई है ना वो तो बिल्कुल रियल लग रही हैं। ये देखो इसमें पत्थर जरूर फेंकते हैं आके। और शायंस शायंस ही नहीं, इसमें बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, मुझे लग रहा है सारे बच्चे आके फेंकते हैं। तो भाई अभी मस्त मॉल में घूम लिए भाई, मोस्ट रिकमेंडेड पार्क है। कैसा मजा आया मछली देख के? मस्त मजा आ गया, अब बस उसको पानी में डुबाने वाले। भाई इसमें डुबाते तो जिंदा हो जाएंगी वो, हमें ही खा जाएंगी फिर। अरे हमने तो उसकी मदद करी है, हमको तो नहीं खाएगी, सबको खा जाएगी। तो गाइस अभी घूम घाम के आ गए गाड़ी में। और शायद पता क्या कह रहा है, अभी विशाल के साथ कोल्ड कॉफी पीने जाऊंगा। भाई विशाल तो रात को घूमता घूमता है, ये भी रात को घूमेगा विशाल के साथ। बिगाड़ दिया मैंने इसको, रात को 12 बजे घर आऊंगा। 12 बजे तो मैं भी नहीं आता, मैं ही पहले आता हूँ। चलो तो गाइस अभी काफी लेट हो रहे हैं, अभी जल्दी से चलते घर। मेरे यार लाल परी के शौकीन रे, कोते लाऊ तो पे नोट लुटाने को, तू पैसे वाला यार मांगे से, पैसे वाला यार मांगे से। ये देखो घर आके भी पिज्जा खा रहा है, हन्नी को नहीं दिया इसने। बहुत दे दिए, दो मैंने खाए हैं। और वही अभी विशाल के साथ कॉफी पीने जा रहा है। तो गाइस अभी हम शेक पीने जा रहे हैं। ये देखो नई बाइक कैसे निकालते हैं, चल देखो भाई विशाल का। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं, तो चलो गाइस चलते हैं। तो भाई अभी शेक की दुकान आने वाली है, फटाफट चलते हैं साइंस को, थोड़ी शेक पिलाते हैं। ये देखो भाई साइंस को नया दोस्त मिल गया अपने यहाँ पे, ये देखो कितना प्यारा डॉगी है। ये देखो भाई गले मिल रहा है उसे बार बार, ये देखो पूरा पैर गीला कर दिया चाट चाट के। ये देखो भाई सर का शेक आ चुका, सर ओडी शेक पी रहे मस्त। भाई शेक पता है मैंने क्यों पिलाया इसको? भाई कल ना ये चैनल में कुछ लूट नहीं पाया था, इसने जोड़ने के लिए सामान ले लिया और अपने लिए सामान नहीं ले पाया बिल्कुल भी। गिनती की दो रेड बुल ले पाया, इसलिए मैंने इससे प्रॉमिस किया था इसको शेक पिलाऊंगा। ये देखो भाई पूरा शेक खत्म कर दिया मैंने, अभी चलते हैं घर। तो चलो गाइस चलते हैं। भाई अभी घूम घाम के आ चुके हैं घर। होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।